लोक माझा सांगती आत्मकथात्मक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार इन्होंने पद से सेवानिवृत्त होने की घोषणा की थी। वो दिन था 2 मई। शरद पवार ने घोषणा की कि वह एनसीपी अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सनसनी मच गई। एनसीपी के नेता कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। एनसीपी के नेताओं ने शरद पवार के चरणों में बैठकर उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने का अनुरोध किया। उसके बाद पिछले 4 दिनों से विरोध हो रहा था और आखिरकार शरद पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए शरद पवार ने घोषणा की कि वह ये निर्णय वापस ले रहे, जिसके बाद राष्ट्रवादी नेता पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा जल्लोष मनाया गया। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा जल्लोष मनाया गया। फटाके फोड़कर, मिठाइयां बांटकर और गुलाल उड़ाकर ये जल्लोष मनाया गया। 4 दिवसापासून जी अनिश्चितता होती ती आजच्या पवार साहेबांच्या निर्णयामुळे संपली। संपूर्ण देशामध्ये पुरोगामी विचाराचं राजकारण करणारा हा राष्ट्रीय नेता राजकारणातून अचानक निवृत्त होतो, आपल्या पदाचा राजीनामा देतो, ही बाब देशातल्या सर्व पार्टीच्या नेत्यांना खटकली। त्यांनी पवारसाहेबांना विनंती केली आणि त्यांची विनंती ऐकून ती जी आमची समिती होती त्या कमिटीने हा निर्णय घेतला, त्यांचा राजीनामा त्या ठिकाणी अमान्य केला आणि पुन्हा एकदा आज पवार साहेबांनी या ठिकाणी राजीनामा मागे घेतो आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं। बीते कुछ दिनों से राज्य की राजनीति में राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा अध्यक्ष जो है शरद पवार, इन्होंने इस्तीफे के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारी हलचले हुई। उसके बाद राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें इस्तीफा वापिस लेने की मांग की गई। उसके बाद से जो सिलसिला चला उसके बाद आज जो है आखिरकार शरद पवार इन्होंने अपना फैसला जाहिर किया है कि मैं इस्तीफा वापिस लेता हूँ। वही अब अध्यक्ष रहेंगे, क्या बताओगे? जिस तरह से 3 दिन पहले जब आदरणीय पवार साहब ने निर्णय लिया तो सारे कार्यकर्ता असमंजस में थे कि ऐसे नेतृत्व जिन्होंने आज महाराष्ट्र नहीं राजकीय स्तर पर अपना झंडा गाड़ा है, उनके अनुभवों से आज देश चला है। अनेक पदों पर उन्होंने राष्ट्रीय नहीं महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री रह चुके, ऐसे हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का इस्तीफा हम लोगों के लिए बहुत दुखदायी था, लेकिन आज उन्होंने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए अपना निर्णय वापस लिया। हम कार्यकर्ता और जोश के साथ में पक्ष के लिए काम करेंगे। आप सब देख रहे हैं कि कितना जल्लोष भरा काम है, आनंद का वातावरण यहाँ पर है और राष्ट्रवादी के लिए ये आज का दिन एक दिवाली से कम नहीं। जल्लोष आप देख रहे हैं और ये हमारे लिए, हम जब से राजकारण में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम पवार साहब को देख के इस क्षेत्र में काम किए, ये पार्टी में काम कर रहे हैं। और जो पवार साहब ने 4 दिन पहले निर्णय लिया था वो हम सही नहीं सकते थे। पिछले 4 दिन से हम सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पवार साहब की इस देश को जरूरत है और ये जरूरत होते हुए हमारे सभी मागा स्वर्गीय ओबीसी बहुजन के नेता है और उनकी हमें जरूरत है। तो हमने देखा कि 4 दिनों के बाद जो है आज जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है इन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि अध्यक्ष जो है शरद पवार इन्होंने इस्तीफा वापस लिया है और वो अध्यक्ष पद पर कायम बने रहने की उन्होंने आज पत्र परिषद लेकर ये जो है जाहिर किया है कि वो खुद जो है अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले है और अधिक जोश के साथ वो अगला कार्य जो है पार्टी का करने वाले हैं। आज हमने देखा कि राष्ट्रवादी कार्यालय के सामने यहाँ पे जल्लोष किया गया, फटाके फोड़कर, मिठाई खिलाकर, गुलाल उड़ाकर ये जल्लोष किया गया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।